तो जम्मू कश्मीर के हैदरपुरा में आम नागरिकों की कथित हत्या के खिलाफ पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने प्रदर्शन किया और लेफ्टिनेंट गवर्नर से माफी मांगने की मांग की। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने हैदरपुरा एनकाउंटर में आम नागरिकों की कथित हत्या के खिलाफ प्रदर्शन किया। राजभवन तक हुए मार्च में शामिल महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हैदरपुरा की मुठभेड़ में जिन तीन लोगों को आतंकी बताकर मारा गया वो आम नागरिक थे। महबूबा ने पूरे मामले की न्यायिक जाँच की मांग की। हैदरपुरा में जो प्रोटेस्ट हुआ उसमें बेगुनाह लोग मारे गए, चूँकि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब यूनिफाइड कमांड के हेड है, उनको माफी मांगनी चाहिए से, और जो दबा उन पे लगा दिया कि ये मिलिटेंट है, ओवरग्राउंड मिलिटेंट है, हाइब्रिड मिलिटेंट है, वो वापस लेना पड़ेगा। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मुठभेड़ में मारे गए मुदस्सिर अल्ताफ और आमिर बेगुनाह थे। गुरुवार को अल्ताफ भट्ट और मुदस्सिर गुल के शव उनके परिजनों को सौंप दिए गए थे, लेकिन आरोप है कि पुलिस ने अभी तक आमिर का शव परिजनों को नहीं दिया है। ये जो जुल्म सितम हो रहा है इनको माफी मांगनी चाहिए, जो तीन लवाइकीन है, जो चाहे मुदस्सिर साहब थे, चाहे अल्ताफ साहब थे, चाहे आमिर मागरे है, वो बेगुनाह थे, उन पे इल्जाम लगाया गया। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।